छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती और सीधी भर्ती जो है इस समय निकल कर आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों के लिए जो है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, परीक्षा जो है आपका कब होगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को एक एक जानकारी जो है सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जो है मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, बिगेस्ट अपडेट जो है सबसे बड़ी वैकेंसी जो है निकल कर आया। यदि आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो है सबसे पहले स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन से स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट वाले से हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीए या बीएससी या बीकॉम वाले स्टूडेंट ही शिक्षक बन सकते हैं। कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स वाले हो, जैसे आपने यदि फार्मेसी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, बीएससी नर्सिंग किया हो, बीसीए किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, कोई भी सब्जेक्ट वाले एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपका ग्रेजुएशन जो है इसमें कंप्लीट होना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो चुका है तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। आप आराम से इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ग्रेजुएशन बस काफ़ी नहीं है शिक्षक बनने के लिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो है बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो सोचते हैं कि हमें शिक्षक बनना है, लेकिन यदि आप बीएड नहीं किए या फिर डीएलएड नहीं किए हैं तो आप जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिनका यदि सपना है, जो ड्रीम्स लेकर चल रहे हैं कि यार मुझे शिक्षक बनना है, तो आप जो है बीएड कर सकते हैं। बीएड जो है 2 वर्ष का होता है। बीएड जो है आपका ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। डीएलएड की अगर हम बात करें तो आप जो है 12वीं के बाद जो है डीएलएड कोर्स जो है कर सकते हैं। डीएलएड भी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। वहीं अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर हमने बीएड या डीएलएड किया, डीएलएड कर लिया तो अब हम क्या शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल है? जी नहीं, अभी भी आप जो है एलिजिबल नहीं हैं। और इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये आपका जो है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आप अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका भी टेस्ट लिया जाएगा कि आप जो है सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, आप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं, इस वजह से आपका भी टेस्ट लिया जाता है। तो टेट एग्ज़ाम, टेट जो है 2 तरह से होते हैं, एक होता है आपका सीजी टेट और एक होता है आपका सी टेट। ए स्टेट मतलब कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो छत्तीसगढ़ की स्टूडेंट है तो सी जी टेट, और दूसरा होता है सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम, चाहे सी जी टेट हो या फिर सी टेट हो, दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम यदि आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। आप आराम से इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना जो है करना नहीं पड़ेगा। और कई स्टूडेंट हैं जिनका टेट एग्ज़ाम यदि क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो है निराश बिल्कुल भी मत होना। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान लेता हूँ, तो हार मानने से अच्छा है कोशिश करके क्यों ना हारा जाए। इसलिए आपको जो है मेहनत करते रहना, मेहनत करके हारा जाए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय उसके जो पहले से हार मान ले। तो आपको पहले से हार नहीं मानना, इसलिए मेहनत करके हारो भले ही। और 12,000 शिक्षक के भर्ती, 12,000 टीचर्स का जो जॉब्स है, वैकेंसीज है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क रहेगा, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। और सभी चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं, हमारे काम के ऊपर ही, हमारे एफर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी हमें सफलताएं जो है मिल पाएगी। वरना भीड़ में तो बहुत से लोग हैं, आपको भीड़ से कुछ अलग करना है। अगर एक दूसरे का अगर देखा देखी करेंगे, एक दूसरे का कॉपी अगर करेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे सोचते हैं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, नाइट को पढ़ते हैं, तो मैं भी रात को ही पढ़ूंगा जो टॉपर है। लेकिन अगर आपके दिन में पढ़ने का हैबिट है, अगर आप जो है दिन में पढ़ सकते हैं तो आप जो है दिन में पढ़िए, कोई बात नहीं। ना कोई डे स्पेशल होता है, ना कोई स्पेशल नहीं होता आपको, ना रात ना दिन। अगर जितने टाइम भी अगर आपको पढ़ने का मन करे, उतना टाइम पढ़िए, उतने टाइम हैबिट बनाइए। कौन टॉपर कितने टाइम पढ़ रहा है, इससे आपका कोई भी फ़र्क जो है नहीं पड़ता।
सिर्फ का फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि आप उसके लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो 150 प्रश्न जो है शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम्स में आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होते हैं। 1/4 इसमें जो आपके माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग जो है होता है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग के वजह से सोचते हैं कि यार सिलेक्शन हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा। आप मेहनत तो कीजिए, आप तैयारी तो कीजिए, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत तो कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। आप सिर्फ कामयाबी के सपने देखते हैं, सिर्फ कामयाबी के सपने देखने से कामयाबी अगर मिलता है ना तो सभी लोग सपने देखते हैं। सिर्फ देखिए सपने तो उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, सिर्फ काम करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं। आप क्या करते हैं, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे? तो देखिए कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपको उसमें रिजल्ट जो है मिलेगा। अगर आप जहाँ पर अगर रेगुलरिटी अगर मेंटेन नहीं कर पाए, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपका तबीयत ख़राब हो या कोई भी हिस्सा हो, अगर आप रेगुलरिटी को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आप जीवन में ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है कंसिस्टेंट। तो 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है आज से शुरू कर दो। करंट अफेयर्स की तैयारी आज से शुरू कर दो। CG करंट अफेयर जिसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, जिसमें आपके CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है। इसके साथ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में CG करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रिपरेशन जो अच्छे से कर पाएंगे, और आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज जो है मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होगा उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। साथ में इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है पढ़ाई कीजिए, इस तरह से जो है प्रिपरेशंस कीजिए, और ज़िंदगी में हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से, प्रिपरेशंस करने से आपको किसी ने रोका नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगा। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़िंदगी तो वैसे ही भी है, अगर ज़िंदगी का मतलब नहीं समझे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर ज़िंदगी कौशल में समझ लिया तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा फिर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से नए नए वीडियोस मेरे चैनल्स पर जो है मिलते रहेंगे। बस अपना ख्याल रखना, तैयारी करते रहना, सपने आपके हैं तो उन सपनों को पूरा आपको ही करना है। उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ आपको ही अपना खुद के ऊपर भरोसा।